गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र सिंह SIC में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कक्षा 9th में पद्य भाग में पहला अध्याय आपने अध्ययन कर लिया है। दूसरा अध्याय आपका मीराबाई का है, पदावली। तो पदावली का अध्ययन करने से पहले हम मीराबाई के कृतित्व और व्यक्तित्व पर एक संक्षिप्त जानकारी लें। आइए अध्ययन करते हैं इनका जीवन परिचय। जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी की प्रपौत्री, जोधपुर नरेश राजा रतन सिंह की पुत्री और भगवान कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीराबाई का जन्म राजस्थान के चौकड़ी नामक ग्राम में सन 1498 ईस्वी को हुआ था। बचपन में ही माता का निधन हो जाने के कारण ये अपने पितामह राव दूधा जी के पास रहती थीं और प्रारंभिक शिक्षा भी उन्हीं के पास रहकर प्राप्त की थी। राव दूधा जी बड़े ही धार्मिक एवं उदार प्रवृत्ति के थे, जिनका प्रभाव मीरा के जीवन पर पूर्ण रूपेण पड़ा था। 8 वर्ष की मीरा ने जब श्री कृष्ण को पति रूप में स्वीकार कर लिया, यह बात कोई नहीं जान सका। इनका विवाह चित्तौड़ के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के कुछ वर्ष बाद ही मीरा विधवा हो गई। अब तो इनका सारा समय श्री कृष्ण भक्ति में ही बीतने लगा। मीरा श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मानकर उनके विरह में पद गाती और साधु संतों के साथ कीर्तन एवं नृत्य करती। इनके इस प्रकार के व्यवहार ने परिवार के लोगों को रुष्ट कर दिया और उन्होंने मीरा की हत्या करने का कई बार असफल प्रयास किया। अंत में राणा के दुर्व्यवहार से दुखी होकर मीरा वृंदावन चली गई। मीरा की कीर्ति से प्रभावित होकर राणा अपनी भूल पर पश्चाताप किया और उन्हें वापस बुलाने के लिए कई संदेश भेजे। परंतु मीरा सदा के लिए सांसारिक बंधनों को छोड़ चुकी थी। कहा जाता है कि मीरा एक पद की पंक्ति, हरि तुम हरो जन की पीर, गाते गाते भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई थी। मीरा की मृत्यु द्वारका में सन 1546 ईस्वी के आसपास हुई थी। साहित्यिक सेवाएं। मीरा के काव्य का मुख्य स्वर कृष्ण भक्ति है। इनके काव्य में उनके हृदय की सरलता तो निश्चलता स्पष्ट रूप से होती है। इनकी भक्ति साधना ही इनका काव्य साधना है। दाम्पत्य प्रेम के रूप में व्यक्त इनके पूर्ण संपूर्ण काव्य में इनके हृदय में के मधुर भाव गीत बनकर बाहर उमड़ पड़े हैं। विरह की स्थिति में इनके वेदनापूर्ण गीत अत्यंत हृदय स्पर्शी बन पड़े हैं। इनका प्रत्येक पद सच्चे प्रेम की पीर से परिपूर्ण है। भाव विहोर होकर गाए गए तथा प्रेम एवं भक्ति से ओतप्रोत इनके गीत आज भी तन्मय होकर गाए जाते हैं। कृष्ण के प्रति प्रेम भाव की व्यंजना इनकी कविता का उद्देश्य रहा है। रचनाएं। मीरा की रचनाओं में इनके हृदय की विह्वलता देखने को मिलती है। इनके नाम के साथ 8 रचना उल्लेख मिलते हैं। नरसी जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद का टीका, राग सूरठ के पद, मीराबाई की मलार, गरबा गीत, राग बिहाग तथा फुटकर पद। इनकी प्रसिद्धि का आधार मीरा पदावली एक महत्वपूर्ण कृति है। भाषा शैली है। मीरा ने ब्रजभाषा को अपना कर अपने गीतों की रचना की। इनके द्वारा प्रयुक्त इस भाषा पर राजस्थानी, गुजराती एवं पंजाबी भाषा की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। इनकी काव्य भाषा अत्यंत मधुर, सरस और प्रभावपूर्ण है। इनके सभी पद गेय हैं। इन्होंने गीत काव्य की भावपूर्ण शैली अथवा मुक्तक शैली को अपनाया है। इनकी शैली में हृदय की तन्मयता, लयात्मकता एवं संगीतात्मकता स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। तो ये रहा मीराबाई का संक्षिप्त जीवन परिचय। इनका कृतित्व और व्यक्तित्व से संबंधित आपने अध्ययन किया। इनका जीवन कैसे, इनका जन्म कब जन्म हुआ, कहाँ मृत्यु हुआ, इनके बीच में क्या क्या, इनका जीवन क्या रहा, भगवान श्री कृष्ण से किस प्रकार की इनकी भक्ति भावना रही, इन्होंने क्या क्या पद लिखे, क्या कैसी कैसी रचनाएं किए, इनकी शैली, भाषा शैली क्या थी, आदि बातों को आपने अध्ययन किया। अब इनके द्वारा लिखित पद्य पदावली का भी अध्ययन करें। बसो मेरे नैनन में नंदलाल,
मोरे मुकुटी मकी राकृति कुंडले अरुण तिलक दी भाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरति नैना बने विशाल, अधिर सुधारस मुरली राजति उरे वैजंती माल, क्षुद्र घंटी का कटी तट शोभिते नूपुर शब्द रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त वत्सले गोपाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। इस पद्य में मीराबाई ने कहा है कि बसो मेरे नयनन में नंदलाल। नंदलाल अर्थात कृष्ण, नंदलाल कृष्ण के अनेकों नाम हैं, मोहन, मुरारी, गिरधारी, बनवारी, असुरारी, त्रिपुरारी, इनमें से एक नाम नंदलाल भी है। नंद के लाल ही नंदलाल है। तो बसो मेरे नयनन में नंदलाल, हे नंदलाल जी आप मेरे नयनों में आकर के बस जाएं। मुंह और वह रूप बस है, जैसे जो भगवान श्री कृष्ण का जो बाल स्वरूप है जिसमें मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल, जो मयूर का मुकुट धारण किए हैं, मकराकृत यानी मछली की आकृति का कुंडल है और अरुण अर्थात लाल रंग का टीका, भाल मने मस्तक, मस्तक पर लाल रंग अरुण रंग का अरुण तिलक दिए हुए हैं, अरुण तिलक लगाए हुए हैं। और वह मोहनी मूरत सांवरी सूरत, वह मन को मोह लेने वाली मूरत जो श्याम का श्याम सलोना रूप है, वो मेरे जिनके नेत्र बड़े बड़े हैं, नयना मेरे नेत्र, नेत्र जिनके बड़े हैं विशाल हैं, वह स्वरूप हमारे, वह नंदलाल का वह रूप हमारे नैनों में बस जाए। ये कहते हैं कि अधर सुधारस मुरली राजत उर वैजंती माल, जिनके अधरों का रसपान करते हुए मुरली सुशोभित होती है। अधर मने होठ होता है, होठ रूपी अमृत यश, होठ अधर सुधारस यानी अधर ने होठ रूपी अमृत रस का पान करती हुई मुरली अर्थात बांसुरी जो है, और उर वैजंती माल, और उर मने हृदय, हृदय पर जिनकी वैजंती का माला विराजमान है, और घंटी का क्षुद्र घंटी का कटित शोभ है, और जो जो कटि प्रदेश में पहने हुए घंटी है, घंटी अत्यंत शोभायमान होती है, और पैरों में पहना जाने वाला जो आभूषण है नूपुर, जिसके जिनके कृष्ण के चलने से वह उस शब्द की, उस ध्वनि का उच्चारण, उस ध्वनि को सुनने से एक असीम आनंद की प्राप्ति होती है। मीरा जी कहती हैं कि हे प्रभु, आप समस्त संतन यानी सभी संतों का, सभी सज्जनों को सुख प्रदान करने वाले हैं। हे भक्त वत्सल, गायों के पालन करने वाले, हे गोपाल, आप हमारे नैनों में आकर बस जाएं। ये तो हो गया आपका पहला पद्य। दूसरा पद्य का अध्ययन करते हैं। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोल की दी मेरे सतगुरु कृपा करे अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोवायो, खर्चे नहीं कोई चोर न ले वे दिन दिन बढ़ते सवायो, सत की नाव केवटिया सते गुरु भव सागर तरे आयो, मीरा के प्रभु गिरी धरे नागरी
हरे की जैसे गायो पायो जी मैं तो राम रतने धने पायो। आइए इसका भावार्थ व्याख्या करते हैं। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीरा जी कहती हैं, कवित्री मीरा जी ने कहा इसमें, पायो जी मैं प्राप्त की हूँ, पा गई हूँ जी क्या कि राम रूपी रतन धन। इन्होंने कहा कि मुझे राम रूपी रतन धन प्राप्त हो गया है, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। ऐ जी मैं तो राम रूपी रतन धन पा गई हूँ, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। मेरे सतगुरु ने यह मुझे अनमोल वस्तु दे दिया है और कृपा करके उनकी कृपा हुई है, कृपा करके हम इस ये जो अनमोल वस्तु है इसको गुरु ने प्रदान किया है और मैं उसको अपना ली हूँ। कहा कि जन्म जन्म की पूजी पाई जग में सभी खुआयो। जन्म जन्मांतर की ये हमारी बनी बनाई जो पूजी है उसको मैंने प्राप्त किया है संसार में, जो सब लोग खो देते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि भक्ति में मन सबका नहीं लगता है और भक्ति ही आनंद का प्रमुख स्रोत है। भक्ति पूर्व जन्म ऐसा माना गया है कि सबके मन में भक्ति के प्रति आसक्ति नहीं आती, क्योंकि गुण कर्म स्वभाव और संस्कार बहुत कुछ मायने रखता है। तो ये कवित्री मीरा जी ने कहा है कि जन्म जन्म की पूजी पाई जग में सभी खोआए। संसार में सब लोग जिसको खो देते हैं, त्याग देते हैं, उस जन्म जन्म की पूजी, संचित पूजी को हमने प्राप्त किया है। वो संचित पूजी इनकी है क्या? कृष्ण की भक्ति, श्री कृष्ण की भक्ति। इन्होंने कहा है, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सहायो। इसको खर्च करने से, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, ये खर्च करने से खर्च नहीं होता और इसे चोर को चुराने का भय नहीं होता। ऐसा संपत्ति है, ऐसा रत्न है जिसको चोर को चुराने का भय ही नहीं होता है और ना ही इसे कोई जबरदस्ती ले सकता है। और दिन दिन ये बढ़ता जाता है, जितना ही भक्ति करेंगे भक्ति की प्रगाढ़ता और बढ़ती ही जाएगी। इसलिए कहती है कि दिनों दिन ये सवैया बढ़ता जाता है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तरायो, यानी इस सत्य के नाव पर बैठ करके जो खेने वाला जो हमारा सतगुरु है उसके माध्यम से इस संसार रूपी सागर से मैं मुक्त हो जाऊंगी। कहा मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख रख जस गायो। इसीलिए मीरा, कवित्री मीरा जी ने कहा है कि मैं प्रभु गिरधर, गिरधर नागर, नागर में चतुर, गिरि को धारण करने वाले वो चतुर नागर, वो भगवान श्री कृष्ण की मैं हरख हरख प्रसन्न हो करके और मैं उनका यश, उनकी कीर्ति और उनकी भजन भक्ति गाती हूँ। इस प्रकार से ये दूसरा पद्य भी आपने अध्ययन किया। प्रत्येक पद्य का काव्य सौंदर्य आप अवश्य लिखते जाएंगे कि ये कौन सा भाषा है, इसमें कौन सा रस है। जैसा कि हमने आपको पहले भी रस और अलंकार, छंद, इन सब का अध्ययन कराया है, इसलिए इसमें आप लिखेंगे कि इसमें कौन सा भाषा है, कौन सा छंद है, कौन सा रस है, कौन सा अलंकार है, कहने का अभिप्राय है, कौन सा शब्द शक्ति है। इन प्रत्येक पदों में इन सबको आप स्वयं ढूंढ कर लिखेंगे। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये कार्य आप पर मैं छोड़ रहा हूँ, इसलिए कि आपको व्याकरण से संबंधित अधिकांश टॉपिक पढ़ाया जा चुका है। आप स्वयं इसको ढूंढ करके लिखेंगे कि इसमें कौन सी शब्द शक्ति है, कौन सा रस है, कौन सा अलंकार है, कौन सा भाषा है। इन सब चीजों का आप काव्य सौंदर्य प्रत्येक पद्यांश का आप स्वयं लिखेंगे। ये दूसरा पद्य भी आप आपने अध्ययन किया। ये तीसरे पद्य का अध्ययन करते हैं। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कह छाने कोई कह चुपके, कोई री बजंता ढोल, कोई कह मुंह दो कोई कह सुह दो, लियो री तराजू तोल, कोई कह कारो कोई कह गोरो, लियो री अमोलक मोल, या हूं कि सब जाड़त है लियो री आंखी खोल, मीरा की प्रभु दर्शन दिनियो पूरब जन्म की कौल। कौल में होता है प्रतिज्ञा, प्रण। आइए मायरी मैं तो लियो गोविंदो, गोविंदो एक पहले ही पद्य में हमने कहा कि कृष्ण के अनेकों नाम हैं, जिसमें गोविंद भी एक नाम है कृष्ण का। तो मीरा जी कहती हैं कि मैं गोविंद, गोविंदो अर्थात गोविंद को मोल में ले ली हूं,
कोई कह छाने कोई कह चुपके, लियो री बजंता ढोल। कोई कह छाने कोई चुपके, कहता है कि चुपके से जाकर कि इन्होंने कोई लेता है, लेकिन मैं बिल्कुल ढोल बजा करके अर्थात बिल्कुल इस बात का स्पष्टीकरण करके पूरे लोक मानस में बता करके मैं पूरी ढोल पीट करके मैंने इस बात को कही कि मैं जो है भगवान कृष्ण को मोल ले ली हूँ। मोल लेने का मतलब मैंने पूर्ण प्रभुत्व अपना उस पर एक तरह से अपने आप को संपूर्ण इनमें गोविंदों में अर्थात कृष्ण में समर्पित हो चुकी हूँ। मोल लेने का मतलब हो गया कि उनको खरीद चुकी हूँ, खरीद ली हूँ, अर्थात कृष्ण पर अब केवल एकत्व एक निष्ठ मेरा ही आधिपत्य है। इस भक्ति की ये चरम अवस्था को दर्शाया गया है यहाँ। यह गोविंदो मोल लेने का मतलब उनको अब हमने एकदम खरीद लिया है। खरीदने का मतलब है उस वस्तु पर अब केवल अपना अधिकार, मेरा ही अधिकार है। तो यहाँ पर यह भक्ति की चरम अवस्था को दर्शाया गया है। कवित्री मीरा जी ने कहा है कि कोई कह छाने कोई कह चुपके, लियोरी बजंता ढोल। मैं ढोल पीट पीट करके वही कह करके मैं समाज में सभी लोगों को बता करके मैं गोविंदों को मोल ली हूँ, अर्थात कृष्ण की गोविंद की भक्ति को बिल्कुल सरेआम खुल करके करती हूँ। कहा कि कोई कह मोदो कोई कह सोदो। मोदो और सोदो मतलब महंगा और सस्ता। मैंने कोई कहता है महंगा, इनके कोई कोई महंगा कहता है कोई सस्ता कहता है, लेकिन मैं बिल्कुल तराजू पर तौल करके मैं इन्हें ली हूँ। मैंने यह सस्ता नहीं महंगा नहीं, बिल्कुल जो चाहिए वही है। कोई कह कारो कोई कह गोरो, मैंने कोई काला कहता कोई गोरा कहता, लेकिन मैं जानती हूँ कि यह अमोलक मोल है, इनका कोई मोल ही नहीं है, ये अमूल्य है। या ही कुछ सब जारत है लियो रिया की कुल। मैं ये सब कुछ जानती हूँ। कृष्ण की भक्ति क्या है, आज ये हमारी आंखें खुल गई हैं। इसीलिए मीरा जी ने कहा कि ये प्रभु दर्शन दीजियो दिन्यो पूर्व जन्म की कोल। हमको प्रभु दर्शन अवश्य देंगे, क्योंकि पूर्व जन्म में ही ये प्रतिज्ञाबद्ध है, ये प्रतिज्ञारत है, ये एकदम इनको दर्शन देने के लिए ये वचनबद्ध है, प्रतिज्ञाबद्ध है। इसलिए मीरा जी को संपूर्ण रूप से बिल्कुल विश्वास है, संपूर्ण समर्पण के साथ कि हमें ईश्वर का भक्ति अवश्य प्राप्त होगा। तो आइए तीसरे अध्याय का तीसरा पद्य का भी आपने अध्ययन किया, साथ ही साथ आप चौथे पद्य का भी अध्ययन करेंगे। मैं तो सांवरे के रंगराजी, साजी सिंगार बांधि पग घुघरू, लोक लाज तारा नाची, गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई साची, गाय गाय हरि के गुण निस्दिन, काल ब्याल सुबाची, उड़ बिन सब जग खारो लागत, और बात सब काची, मीरा श्री गिरधर लाल सो भगत रसीली जाची। इसे मीरा जी ने कहा है कि जैसे मैं तो सांवरे के रंग राची, राची मैंने रुचि से तात्पर्य, मैं सांवरे के रंग में बिल्कुल रंग गई हूँ। मीरा ने कहा है कि मैं तो सांवरे अर्थात कृष्ण के रंग में बिल्कुल रंग कर मैं उनके प्रेम में दीवानी होकर, साज सिंगार बाज पद घुघरू, बिल्कुल उनके जैसा बन ठन कर और पाओ में घुघरू बांध कर, लोक लाज का त्याग कर कृष्ण की भक्ति करते हुए नृत्य करती हूँ। कहा कि वह भजन गात, ये बात ऐसा उल्लेख मिलता भी है कि कृष्ण की भक्ति करते करते स्वयं समाज में, क्योंकि राज परिवार की थी लेकिन इनका उसका कोई असर नहीं रहा, भक्ति की पराकाष्ठा यह है कि वह निश्चल मन से निश्चल निर्मल मन मोहि सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र द्वावा। वही वाली बात है यहाँ। इन्होंने कहा कि साज सिंगार बाद पग घुघरू, सिंगार करके पैरों में घुघरू बांध करके लोक लाज का त्याग करके मैं नाचती हूँ। क्यों? क्योंकि गई कुमति लई साधु की संगति, कुमति चली गई और सज्जन सज्जन लोगों की संगति आ गई। बुराई और अच्छाई हर मनुष्य में होता है, तो इसमें इन्होंने कहा है मीरा जी ने कि कुमति अर्थात दुर्बुद्धि चली गई, साधु की संगति सज्जनों के संगति के सज्जनों के संपर्क में आने से, और भक्ति ही एक सच्ची है,
इस बात का भान हुआ। गाय गाय हरि के गुण निष्दिन, इसलिए हरि के अर्थात कृष्ण के गुण निष्दिन गा करके, प्रत्येक दिन गा गा करके इस काल रूपी ब्याल अर्थात काल रूपी सर्प से बचा जा सकता है। कहा कि उड़ बिन जर सब जगह खारो लागत। उड़म कौन, उड़ मने यहाँ पे संबोधन दिया, उड़ मने उन, उन बिन सब जगह खारो लागत, राजस्थानी भाषा है तो उड़ का उनको न को राजस्थानी भाषा में बोला जाता है। तो अब जैसे कि पानी को पाणी कहा जाता है, तो उड़ बिन सब जगह खारो लागत, उनके बिना संपूर्ण संसार बिल्कुल बेकार लगता है, खारा लगता है। और बात सब काची, और कृष्ण के सिवाय कोई भी बात है वो सब कच्ची लगती है। एक ही बात है अच्छी, वो कृष्ण की अच्छी, कृष्ण पूरा संसार कृष्णमय है ये बात सबसे अच्छी है, लेकिन कृष्ण के बिना ये पूरा संसार ही खारा है, ऐसा ऐसा मीरा जी का मानना है। उड़ बिन सब जग खारो लागत, पूरा संसार ही खारा लगता है। ताकि मीरा श्री गिरधर लाल सु भगत रसीली जाची, मीरा जी कहती हैं कि गिरधर लाल की भक्ति ही एक रसीली है और वही जचने वाली है, वही अच्छी है, बाकी तो कुछ नहीं है, केवल गिरधर लाल अर्थात भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही प्रमुख है। तो अंतिम और पांचवा पद्य, पांचवा और अंतिम पद्य है, इसका ये अध्ययन करते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मीरा जी ने कहा है कि इस संसार में मेरा कोई है ही नहीं, मेरो तो गिरधर गोपाल, केवल गिरधर गोपाल, गिर को धारण करने वाले अर्थात भगवान श्री कृष्ण, गायों के पालन करने वाले। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, इन्होंने कहा कि मेरे तो केवल गिरधर गोपाल हैं और दूसरों इस संसार में दूसरा कोई नहीं। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसके सिर पर मयूर का मुकुट शोभाए मान है, वही मेरा पति, वही मेरा मालिक, वही मेरा स्वामी है। इन्होंने कहा मात तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। मीरा जी ने कहा कि मात तात मात माने पिता माता भाई बंधु, इनमें से अपना कोई नहीं है। क्यों छाड़ी दई कुल की कहानी, कहाँ करी है कोई। इसलिए इन्होंने कहा कि मैं तो कुल की मर्यादा की का जो कहानी है, वो जो कुल की मर्यादा है उसको हमने त्याग दिया, छोड़ दिया, ये सब इसलिए छोड़ दिया कि ये सब अपने कोई नहीं है। कहा कि संतन दिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, संतन के सज्जनों के बीच बैठ बैठ करके उस समय के तात्कालिक समाज का लोक लाज का त्याग करके और प्रेम के आंसुओं से जल से सींच सींच करके, क्यों कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था, तो प्रेम बेली बोई, वह भक्ति भक्ति हो ही नहीं सकता यदि प्रेम नहीं है। तो प्रेम प्रेम बेली बोई, प्रेम बेली प्रेम रूपी लता को हमने बोया, प्रेम रूपी वह भक्ति रूपी लता को बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई, भक्ति रूपी बेल अब तो फैल गई है, और जब भक्ति का बेल फैल फैल जाती है तो जहां जहां बेल फैलेगी वहां आनंद ही आनंद प्राप्त होगी, क्योंकि भक्ति ही एक ऐसा है, भक्ति का स्थान ही ऐसा है जहां व्यक्ति को शांति और सुकून मिलता है। कहा है कि असुवन जल सींच सींच प्रेम जल बोई, आंसुओं के जल से सींच सींच करके प्रेम की बेल को हमने बोया, और अब तो वह बेल फैल गई, जब सारों चारों तरफ आनंद ही आनंद है। कहा भक्ति देख राजी हुई जगत देख रोई, भक्ति को ही देख करके राजी हुई, भक्ति को देख करके जीवन का एक आसरा मिला, क्योंकि बाकी सब ये संसार मिथ्या है, इसलिए इसको देख करके हमने हमारे आंखों में आंसू आ गया। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई, ये कहती हैं मीरा जी कि हे प्रभु गिरी के गिर को धारण करने वाले, हे प्रभु आपकी दासी मैं हूँ, आप हमें आकर के मुझे मुक्त करें, तारण करें, तरण तारो अब मोई मने आप मेरा तारण करें अर्थात आप मुझको मुक्त करें। तो इस प्रकार से आपने यह अध्याय का भी आपने समापन किया। हमने पहले भी बताया था कि आप काव्य सौंदर्य प्रत्येक पद्यांश का स्वयं ढूंढ करके लिखेंगे, क्योंकि हमने व्याकरण का लगभग टॉपिक समाप्त कर दिया है, जो आपको इसमें से खोजकर स्वयं लिखना है।
और इसके उपरांत इसमें जो दिया है, वैसे तो व्याख्या आप प्रत्येक पद्यांश का करेंगे, लेकिन मीराबाई का संक्षिप्त जीवन परिचय भी आपको बताया गया है और आप तैयार भी रखेंगे। तो इस प्रकार से अगर पूरी व्याख्या कर लेते हैं और उनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय आप तैयार कर लेते हैं, तो ये अध्याय समापन की तरफ है और ये अध्याय का समापन होता है। तो इसके बाद अब आप रहीम की दोहे बाद में तीसरा ये अध्याय है, तो ये आप फिर अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।